करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, राज का बड़ा सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि क्या खोया क्या पाया, बजट में सब समाया। और वो इसलिए क्योंकि बजट आज जो प्रस्तुत हो रहा है उस बजट ने कई सारी बातें हमारे सामने रखती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान और मध्यम वर्ग के लिए जो राहत दी गई है वो अपने आप में काफी है, क्योंकि जो राहत दी गई है उससे क्या किसानों का भला होगा। एक साल में 6,000 रुपए प्रति फैमिली, क्या ये अपने आप में बहुत है। इसके साथ साथ मध्य वर्ग को जो छूट दी गई, जो रियायत दी गई है, क्या इससे मध्य वर्ग को काफी फायदा होता दिखाई देगा। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये दरअसल चुनावी घोषणा पत्र है या दरअसल बीजेपी का अंतरिम बजट, क्योंकि बीजेपी के अंतरिम बजट के आधार पर अगर इसे देखें तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन इसमें चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर ज्यादा आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का आर्थिक मैनिफेस्टो ये है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस बजट की 10 बड़ी बातें क्या है। सबसे पहले 5,00,000 रुपए तक के आय पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ कई प्रस्ताव हैं जो अभी प्रस्तुत किए गए, लेकिन ये सारे प्रस्ताव इस साल लागू नहीं होंगे जब तक कि नई सरकार इस पर अपनी मुहर नहीं लगा देती है। इसके साथ साथ आयकर का रिटर्न अगले 2 साल में सिर्फ 24 घंटे में पारित होता दिखाई देगा। 2 हेक्टेयर की जमीन तक वाले किसानों को अगर उनके पास फसल नहीं है तो साल में 6,000 रुपए तक सरकार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेगी। इसके साथ साथ 2,000 रुपए की किश्त किसानों को हर 4 महीने पर मिला करेगी। और यह भी हम आपको बताते हैं जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी गई है 20,00,000 रुपए के द्वारा, यानी 10,00,000 रुपए अभी तक की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा, जिसे बढ़ाकर 30,00,000 रुपए कर दिया गया है। मजदूरों को भी पेंशन देने की बात कही जा रही है। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा अगर वो 100 रुपए माफ कीजिएगा प्रति माह जमा करते हैं तो। उसके साथ साथ 21,000 लोगों के वेतन, पहली बार रक्षा बजट में 3 लाख करोड़ का बजट रखा गया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 28,000 करोड़ ज्यादा है। तो ये 10 बड़ी बातें अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से मौजूद हैं, दिनेश वर्मा जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ मीटिंग चल रही है सभी प्रवक्ताओं की, इसलिए शहनवाज हुसैन हमारे वक्त के आधार पर फ्री तो थे लेकिन अभी पार्टी अध्यक्ष के सामने हैं, इसलिए जाहिर सी बात है अभी हमारे इस बहस में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन जैसे ही वो आएंगे वो भी शामिल हो जाएंगे और उसके साथ साथ अन्य मेहमान भी शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत में अभय दुबे जी आपसे करूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी का ये चुनावी बजट है या अंतरिम बजट है जो आज प्रस्तुत किया गया, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं वो सिर्फ लोक लुभावन है, इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि किसानों को 2,000 रुपए तो किश्त मिलने वाली है। देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि किसानों की सही स्थिति क्या है उस पर प्रकाश डाल पाऊं। जी, जैसा कि इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी ने ये कहा है जी कि हम 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ देने जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो 12 करोड़ हैं उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास जमीन है 18,37,000 एकड़। जी, उस दृष्टिकोण से प्रति एकड़ ये पड़ता है 3,900 रुपए। अब प्रति एकड़ पर मोदी सरकार के आने के बाद उसकी इनपुट कॉस्ट में क्या बढ़ा हुआ है, इस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। एक एकड़ पर, मैं भी किसान हूं, 70 से 100 लीटर डीजल लगता है जी। डीएपी की कीमत 380 रुपए बढ़ गई, बाकी खादों की 400 रुपए बढ़ गई, कीटनाशक महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया। मेरे अनुमान से एक एकड़ पर इनपुट कॉस्ट 4,500 से 5,000 रुपए बढ़ गई है जी। अब आपने 5 सालों में किसान की जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए और पर एकड़ 3,900 रुपए देने की बात करते हैं तो कहां न्याय हो गया किसानों के साथ, बताइए आप। मोदी जी, आपने बहुत बड़ा कुठाराघात किसानों के साथ किया है।
एक बड़े उद्योगपति ने मोदी सरकार को बीच में कहा था कि मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स मोदी जी, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं होता जी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ये बताती है कि 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं, 12 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग असेट है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो कम से कम आपको देखनी चाहिए थी। बड़े बड़े क्लेम किए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उन्होंने कहा कि जो 6 ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी आपके, जिसमें स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत, 21% पैसा भी आपने खर्च नहीं किया। आपने डिफेंस को लेकर बड़ी बात की, 3 लाख करोड़ रुपए के बजट की, अरे वो जीडीपी के रेशो में असेस किया जाता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि 65 के बाद सबसे कम बजट कर दिया। 10i प्रोक्योरमेंट, 10 दिन के भीषण युद्ध लड़ने के लिए 9,800 करोड़ रुपए चाहिए थे, 3,600 करोड़ रुपए आपने सिर्फ मुहैया कराए हैं। आप अगर देखेंगे तो जो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल इनका सरफेस ट्रांसपोर्ट का है, देखिए 86,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे स्टॉल नहीं है कि आपने अगर मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने अकेले ये सब कुछ किया है। आपकी सरकारों में भी ऐसा बहुत कुछ होता रहा। याद कीजिए रक्षा बजट को आपकी सरकारों ने कितना कम किया था। रादर यह कहना सही होगा कि दरअसल रक्षा बजट में कमी करने का पूरा आइडिया, ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस सरकारों का रहा है, तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मैं यहां पर जरा राजीव रंजन जी से समझना चाहता हूं। राजीव रंजन जी, क्या आप संतुष्ट हैं 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान परिवार, हर 2 एकड़ के जो जिसके पास जमीन है उसके लिए काफी है किसान को तमाम मजबूरी, तमाम दुश्वारी से दूर करने के लिए? ये वायदा अपने आप में ठीक है क्या? देखिए, मुझे लगता है इस बजट के पहले एमएसपी का एक बड़ा ऐलान पहले हो चुका है जी। सॉयल हेल्थ कार्ड और एमएसपी, ये 2 बड़े फैसले थे। फसल बीमा योजना को लेकर के हमारी सरकार की असहमति थी, और हम ये मानते हैं कि आज जो ये ऐलान है जी, ये कहीं ना कहीं जो ये छोटे किसान हैं, जो जिनको लेकर के अभी अभय जी ने इनपुट कॉस्ट को लेकर के बहुत सारी बातें कही और इरीगेशन को लेकर के जो तमाम चीजें उन्होंने कहा, हमारा ये मानना है कि उम्मीद पैदा करने वाला ये बजट है, और कम से कम एक किसान परस्त बजट हम कह सकते हैं, किसान परस्त सरकार जिसने अपने संसाधनों के अंदर किसानों को पहले भी दो बड़े ऐलान के जरिए मदद की, और इस बजट में भी उनके लिए काफी सारे संकल्प हैं। तो इसको इस नजरिए से देखें, हर सवाल को आप 2 तरीके से देख सकते हैं, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। नहीं, बिल्कुल, ये देखने वाले ग्लास भरा ही हम देखना चाहते हैं करेगा। लेकिन हमारा ये मानना है जी, कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक ला हूं, लेकिन राजीव जी, ग्लास भरा ही हम देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, जहां किसान आज कर्ज के बोझ के तले मरा है और किसान की स्थिति यह है कि आज वो जितना उत्पाद कर रहा है उसकी कीमत उसको नहीं मिल पा रही, भले आप एमएसपी की बात करें, मैं सरकारी आंकड़ा ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो बजटरी एलोकेशन एमएसपी फंड के लिए रखा गया है उसका 90% बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, यानी कि एमएसपी आप घोषित कर रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे किसानों को। यह दिक्कत है इस सरकार में सबसे बड़ी, और आपकी सरकार यहीं पर सबसे बड़ा चोट खा रही है। राजीव रंजन जी, अजय जी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि एमएसपी का ऐलान थोड़ा पहले होना चाहिए था जी। जमीनी तौर पर जो कठिनाइयां हैं उनका उनको समझना और उसके अनुरूप एक रणनीति बने, जिससे कि वास्तविक अर्थों में जो एमएसपी का लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो मिल सके। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक ऐसी मजबूत बुनियाद डाल दी एनडीए की सरकार ने, जो काम कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, हमारा ये कहना है। चलिए, अच्छा, इसका जवाब को लेकर जवाब अभय जी देना चाह रहे हैं आपको। कर्ज माफी का लॉलीपॉप दिखाते हैं जी। अजय जी, 10 सेकंड। हाँ अभय जी, प्लीज जवाब दीजिए इसका। अभय जी, मैं बस, हाँ देखिए, मैंने बस इतना कहा है जी। जी देखिए, बस इतना कहा है कि किसानों को कर्ज माफी के जरिए आप उनके जख्म पर मरहम लगा सकते हैं, लेकिन अगली बार वो कर्ज ही लेते रहे, यही अगर आप संदेश देना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर एमएसपी को बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जब उनको आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया राजीव जी, के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। सैद्धांतिक तौर पर एमएसपी की बात बिल्कुल सही, और यही शब्द ऑपरेटिंग शब्द है। अभय दुबे जी, प्लीज। अजय जी, जी अजय जी, देखिए अजय जी, एक भ्रांतियां सारे राजनीतिक दलों को, देश को साफ कर लेनी चाहिए। मैं हर डिबेट में सुनता हूं एमएसपी दे दिया। आप जानते हैं एमएसपी में मुख्य तौर पर सिर्फ 2 फसलें प्रिक्योर की जाती है, और वो कितनी की जाती है? एक कंटेंजेंसी प्लान के लिए, एक पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। वो धान और गेहूं
20-25 प्रतिशत से ज्यादा कभी भी नहीं होता प्रोडक्शन का, 70-80 प्रतिशत किसान बाजार के भरोसे है। मोदी सरकार ने क्या किया है आपको जानकर अचरज होगा, 95 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन हुआ जितना 13-14 में था। हमारे समय 9000 करोड़ रुपए का गेहूं एक्सपोर्ट हुआ, मोदी सरकार ने जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करके 59 लाख मेट्रिक टन गेहूं इंपोर्ट करा लिया, बाजार में प्राइसेस क्रेश हो गए। 25 मिलियन टन दाल का प्रोडक्शन हुआ, 60 लाख मेट्रिक टन दाल जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करके इंपोर्ट करा ली, किसानों के प्राइसेस क्रेश हो गए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे थे, इन्होंने ठीक कहा कि इनका विरोध था। 47,000 करोड़ रुपए की ग्रॉस प्रीमियम में से 20,000 करोड़ रुपए कंपनियों के खातों में डाले गए हैं, ये कंपनी फसल बीमा योजना है, और वो पैसा था जो एग्रीकल्चर सेस का मोदी जी ने 19,000 करोड़ इकट्ठा किया था। तो इस देश में किसानों के नाम पर कंपनी की सरकार नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ मैं ये प्रतिउत्तर इसका देना चाहता। वाईपी त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसानों के नाम पर हमारे देश में राजनीति 1950 से लगातार होती चली आ रही है, लेकिन क्या आज किसानों को उनका वाकई में हक मिल रहा है? 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, क्या ये किसानों का हक है? त्रिवेदी जी, भाई मैं शहर में रहने वाला आदमी हूं जी, किसानों की जो समस्या है वो मैं जो देखता हूं, छापे में देखता हूं और न्यूज़पेपर से पढ़ता हूं, मुझे इतना मालूम नहीं है, मगर जो मिनिमल प्राइस है, सपोर्ट प्राइस जी, उसके लिए दो मत है, एक है कि वो देना चाहिए या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन उनको देना चाहिए जी, दोनों मत प्रेवलेंट है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा मेरा कोई फाइनल ओपिनियन नहीं देता हूं जी, मगर मैं कहता हूं कि जो स्टेप लिया गया है 6,000 रुपया हर साल मिलेगा हर एक किसान को जी, तो मैं कहता हूं दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। चलिए एनके सिंह साहब, क्या वाकई में आपको के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है त्रिवेदी जी, आपने अपनी बात स्पष्ट रखी, मैं एनके सिंह साहब से, क्योंकि मैं जानता हूं शहर वाला आदमी को उसकी पर ज्यादा अभिप्राय नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल एनके सिंह साहब, लेकिन किसानों के लिए क्या ये अपने आप में काफी है? राजीव रंजन जी, आपकी बात सुनने के लिए आता बेहतर के बारे में कह सकता हूं जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास आ रहा हूं, त्रिवेदी जी प्लीज, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में सर मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, अभी बात करेंगे हम आ रहे हैं सर, त्रिवेदी जी प्लीज जी। सिंह साहब देखिए, बहुत स्पष्ट है कि 2014 के भाजपा के घोषणा पत्र के पेज नंबर 44 में स्पष्ट रूप से सेंटेंस है कि किसानों को उनकी लागत का 50% एक्स्ट्रा हम देंगे जी। चुनाव जब आने लगे तब आपने घोषणा की। अब किसानों की लागत, एक्चुअल लागत जो होती है वो C2 फॉर्मूले पे होती है, आपने वो नहीं दिया, आपने A2FL पे दिया, जिसको कहते हैं फैमिली लेबर का भी कॉस्ट है, प्राइस जोड़ा है जी। C2 फॉर्मूले में होता है कि जो बेचारा किसान जमींदार से लेके खेती कराता है और 25,000 रुपए एकड़ देता है हर जी, साल जी। वो इसमें अकाउंट फॉर नहीं हुआ होता, वरना गेहूं का MSP इस समय 2100 रुपए होना चाहिए था। तो एक तो ये गलत है जो अब सरकार कह रही है जी। दूसरा ये है कि जो 6,000 आप देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया अभय जी ने कहा, हकीकत ये है कि डाई अमोनियम फास्फेट अभी 4 दिन पहले इन किसानों ने 3-3 बोरी खरीदी, और भारत में किसान कौन से हैं? आप ताज्जुब करेंगे कि 76% फार्मर 1 हेक्टेयर से नीचे है जी। टोटल 86% फार्मर है जो 2 हेक्टेयर से नीचे की खेती करता है जी। तो 76% जो 1 हेक्टेयर वाला है वो बेचारा कम से कम 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डाई अमोनियम फॉस्फेट के गेहूं के लिए दे चुका है, उसको आप क्या दे रहे हैं? आपका जो वादा है 4 महीने में 2,000 रुपए, आप जरा गौर कीजिएगा कितना बढ़िया ये तमाशा है कि आपने कहा 6,000 रुपए साल में देंगे। अरे आप बगल में देख लेते तेलंगाना में 20,000 या फिर उड़ीसा में, उड़ीसा में जी, और ये फैमिली स्पेसिफिक है जी। उड़ीसा का तो मॉडल बेहद अच्छा है, अगर वो फॉलो कर ले तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन इस समय बेस्ट है इंडिया में उड़ीसा का मॉडल, और ये दोनों गैर बीजेपी गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा जी। तो यहां पे आपने खैर वो नहीं किया, अब आपने क्या किया, इसको साहब 3 टुकड़े में देंगे। अरे पहले टुकड़े में तो 4 महीने बाद आपकी सरकार रहेगी कि नहीं, यही भरोसा नहीं है? तो आपने सिर्फ ये राजीव जी 2,000 रुपए में आपने 12 करोड़ फैमिलीज का मतलब 24,000 करोड़ वोट खरीदने के लिए 2,000 रुपए में ये सौदा किया है एक तरह से। अगर वोट खरीदने का सौदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA, और आप उसका हिस्सा हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है, एनके सिंह साहब एक काफी सुलझे हुए पत्रकार है, उनका अपना नजरिया, उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा,
कि किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने भी दो बड़े फैसले किए जी। एक इनपुट सब्सिडी का फैसला है, इनपुट सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट में होता है, और दूसरा जिस समय डीजल की मार थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी सस्ती होने के बाद भी देश में महंगा बिक रहा था, तो हम लोगों ने किसानों को डीजल अनुदान दिया जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस सरकार को लेकर के हम इतना जरूर कहेंगे कि एमएसपी को अगर केंद्र राजीव जी आज जरा 6000 पे बात करते हैं, आज हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे, दो साल तीन साल जी बिल्कुल एमएसपी पर तो ये सरकार गोचा खा ही गई, लेकिन ये 6000 रुपए क्या वाकई में सिर्फ अंगूर खट्टे हैं वाली बात निकल कर आएगी? अंगूर लटके तो हैं लेकिन हम खा नहीं सकते, फायदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है जी 6000 रुपए में 2000 रुपए अकाउंट में जाएंगे जी। और जो अभी मैं महाराष्ट्र के एक लीडर को सुन रहा था जी, वहां उन्होंने ये माना कि 2000 रुपए की भी कीमत है कि अगर किसी किसान को 2000 रुपए एक मुश्त उनके अकाउंट में सीधे जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग करेगा, और इस ये राशि कम हो सकती है। लेकिन ये सोचा किसने पहली बार? ये कांग्रेस की सरकारों के पास ऋण माफी, और मुझे लगता है कि ऋण माफी कोई समाधान नहीं, एमएसपी वो पहले क्यों नहीं लेकर आए? अगर कम वक्त मिला है, हम इतना जरूर कह सकते हैं केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एमएसपी पहले लाना चाहिए था, अभय जी को समझने का मौका मिलता। कांग्रेस ने आज तक सोचा क्यों नहीं? आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कर्ज माफी, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते, और कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं है आपके पास। आगे भी करेंगे, सबसे ज्यादा बढ़ाता यूपीए 2 के रेजिम। देखिए अजय जी, जी जी अभय जी प्लीज, अजय जी ये वो सरकार के प्रतिनिधि, ये वो सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं जिन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की लूट 13,00,000 करोड़ रुपए की है इंटरनेशनल मार्केट में। ये कहते थे कि वो हम सीधा ट्रांसफर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, प्राइसेस कम होंगे तो जनता को सीधा उसका फायदा मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं दिया। आप इनपुट कॉस्ट को देख लीजिए, मुझे मेरे पास मत आइए, आप तो CACP को देख लीजिए जो हर बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसमें आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि इनपुट कॉस्ट पिछले 4 साल में कितने गुना बढ़ गई है किसानों की और हमारे समय कितनी थी। हाँ ठीक है, उतना पर्याप्त हम लोगों को भी और करना चाहिए था, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसका शपथ पत्र मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। जो एनके सिंह साहब अभी कह रहे थे कॉस्ट प्लस 50%, उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखते वो कि अगर ये दे दिया तो मार्केट के क्रैश हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दे रहे। और हमारे समय का लिखते हैं कि जनवरी 2014 तक 96% स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन मान ली थी, मतलब यूपीए सरकार के समय। तो ये कलेक्टिवली सबको सोचना चाहिए कि किसानों के हित में हम कैसे बाजार को व्यवस्थित कर सके। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, CACP ने बहुत अच्छी सरकार को मैं दे रहा हूं 22 कमोडिटी की हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं जी, 22 कमोडिटी की हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, खरीदते कितने? सिर्फ 2, बाकी बाजार में एमएसपी मिलता ही नहीं है। तो आप राइट टू सेल लेकर आइए, इससे कम कीमत में अनाज बिका तो हम FIR दर्ज करेंगे। चलिए किसानों को, राजीव जी आपका 30 सेकंड अब शुरू होता है क्योंकि उसके बाद में दिनेश जी के पास पहुंच रहा हूं। राजीव जी प्लीज, सबसे पहले जी मुझे ऐसा लगता है जी, बहुत ही आसान होता है जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो सरकार के किसी भी फैसले की आप अपने तरीके से मीमांसा करें, उसमें वो कमियां ढूंढें जो आपको सूट करती हैं। लेकिन आप मोटा मोटी, मैं केवल एक सवाल आपसे पूछूंगा जी, आजादी के इन 70 वर्षों में 10 सरकारों की अगुवाई आपने की है, जो 6 केवल आपकी खुद की सरकारें थी और 4 गठबंधन सरकारों की आपने अगुवाई की, किसानों की हालत नहीं सुधार पाए, किसानों को कर्ज लेने के लिए विवश होना पड़ा और किसानों को कर्ज की वसूली के बाद उनको आत्महत्याओं का शिकार भी होना पड़ा, आत्महत्याओं का रास्ता उन्हें तय करना पड़ा, इसकी नैतिक जवाबदेही आप क्यों नहीं लेते हैं? चलिए हमारा ये कहना है कि इस दिशा में आप बार बार इस बजट की कमियां ढूंढते हैं, लेकिन देश को ये भी आप बताइए कि आपने किसानों के साथ अन्याय किया। हो सकता है इस सरकार ने पूरी तरह से उनके अन्याय उससे निपटने में उनको पूरी तरह से मदद नहीं की हो जी, लेकिन एक रास्ता हम लोगों ने तय किया। आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। इसका जवाब मैं अभय जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले जी, इसका जवाब मैं अभय जी से लूंगा, उससे पहले दिनेश जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो अभी 6000 रुपए की रकम दी जा रही है किसानों को, जिसकी घोषणा की है सरकार ने और कहा कि 2000 रुपए चुनाव से पहले ही पहुंच जाएंगे, क्या वाकई में किसानों को इसका फायदा होगा या दरअसल ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जो कि हाथ में आने से पहले पिघल जाएगा?
अच्छा जी, मैं एग्रीकल्चर उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये लॉलीपॉप तो है, मतलब अगर आप उसका फायदा फार्मर को होने वाला है, 67 पैसे पर डे की फिगर आती है जी। तो आपने उधर तो मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश करी, वहां पर अगर आप कंपेयर करो मिडिल क्लास को अगर ये टैक्स रिबेट नहीं मिलती तो वो सोसाइटी नहीं कर रही। जरूरत क्या है जी? जरूरत इस बीमारी को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जी सारी चीज को इकट्ठा लेते हुए, चाहे वो ऋण माफी हो, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का इम्पेटस हो, ये सारी चीज जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनेगी, ये छोटे छोटे पैचवर्क से ये मिजरी जो है इससे कुछ ये होने वाली नहीं। अब आइए उस मुद्दे पर आते हैं जो मध्यवर्ग का है, और मध्यवर्ग वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बेस है। मध्यवर्ग को जिस तरह से खुश करने की कोशिश की गई है, आपने कहा कि अगर ना भी करते तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये 2019-20 में लागू होगा, और दूसरी मुद्दा ये कि क्या वाकई में लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि लग रहा है 5 लाख की छूट, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी छूट मिल गई है, कहीं वो तो नहीं है अप टू 50% डिस्काउंट, पता चला जब आप दुकान पहुंचे 5% है साहब, क्या है दिनेश जी? मैं आपको इसको जी, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। उस टाइम पे जब पीयूष गोयल अपना भाषण पढ़ रहे थे तो ये चीज इतनी क्लियर नहीं थी, जब आप उन चीजों को थोड़ा सा माइनूटली पढ़ते हैं तो ये चीज क्लियर होती है। जो एग्जेम्पशन दिया गया है इस साल होपफुली मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने अभी बिल पेश कर दिया है, फाइनेंस बिल, और अगर फाइनेंस बिल वो पास करवा लेते हैं अभी जितने भी दिन इसके संसद के बाकी हैं तो ये इसी साल एप्लीकेबल हो जाएगा। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये छूट जो है ये सिर्फ 5 लाख तक के तनख्वाह या नेट इनकम सैलरी वालों को ही मिलेगी। अगर 5 लाख एक रुपया भी है तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात, त्रिवेदी जी आप कह रहे थे गुगली है, इसमें क्या गुगली है त्रिवेदी जी? नहीं, वो उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगी जी, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, हर एक जब स्लैब बढ़ता है जी तो मार्जिनल रिलीफ होती है, पूरी रिलीफ नहीं। मैं एग्री कर रहा हूं उनसे, वो मार्जिनल रिलीफ आपकी 5 लाख 10 लाख तक हो सकती है, लेकिन अगर आप 6 लाख या 7 लाख या 8 लाख, अगर आप ही की बात करें, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपका एक एक्स अमाउंट का सैलरी है जो 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ये 12,500 का रिबेट नहीं मिल रहा है, तो यानी कि मेरे जैसे व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है। राजीव रंजन जी बताइए, मैं किस फायदे के लिए अब आपकी सरकार के लिए वोट दूं? मेरे जैसे काम करने वाले तमाम कर्मचारी जो टेलीविजन चैनलों में काम कर रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो इसके लिए मैंने हम एलिजिबल ही नहीं है, हम भी तो मध्यवर्ग में ही आते हैं। देखिए जी, सरकार ने जिस वर्ग को ये राहत पहुंचाने की कोशिश की है जी, उसे अपने सीमाओं का भी ध्यान रखना है, टैक्स बेस का अगर एक्सपेंशन हुआ है जी वो भी देखना है, और खजाने को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचे, लोगों को राहत भी मिले, तो ये एक संतुलित कोशिश है। आपको लाभ नहीं मिला तो आशावादी रहिए आने वाले वर्षों में कहीं ये दायरा बढ़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि लगभग 25 करोड़ लोगों तक जी इस बजट के ऐलान के जरिए पहुंचने का काम इस सरकार ने किया है जी, और सबको कुछ ना कुछ उम्मीद और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आशावादी होने का एक रास्ता इस बजट ने दे दिया है। हम यहाँ और इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को और इनके तमाम समर्थक दलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस क्या कहती है इस पर? पॉलिटिकली लोगों को बहुत क्लियर मैसेज है जी, अर्थव्यवस्था को लेकर के जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई बजट में उनका भी खुलासा है, फिजिकल हेल्थ से लेकर फिजिकल प्रूडेंस और तमाम फिजिकल डेफिसिट जो भी पैरामीटर्स हैं सबको सरकार ने बताया, और कांग्रेस ने जिस तरीके से एक भयावह तस्वीर रोजगार के आंकड़ों को लेकर के रखी, उन तमाम चीजों का जवाब इस बजट राजीव जी वाकई में बड़ी भयावह है, उसको भी हम करेंगे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ आप सब, और अभय जी वापस आते ही आपसे सबसे पहला सवाल पूछूंगा कि अब काउंटर स्ट्रेटेजी कांग्रेस के लिए क्या होगी, क्योंकि मध्य वर्ग को लुभाना आपके लिए बड़ा आवश्यक है, अन्यथा शहरों से आप जिस तरह से आपका जनाधार कम होता जा रहा है वो वाकई में बढ़ेगा। का आरोप लगाया